welcome back to your english sessions today we are going to start a new chapter on page number N 131 in your english literature books chapter number 10 the secret of being loved by all satyabhushan is a worried man as his only son ankit has gone astray because of the influence of bad company will he succeed in guiding his son to the right path will his son transform इंटू अ गुड ह्यूमन बींग लेट्स रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड फाइंड आउट सत्य भूषण एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं उनका बेटा एक गलत संगति में अंकित जो है गलत संगति का शिकार हो जाता है तो क्या वो अपने बेटे को सही संगत क्या वो अपने बेटे को सक्सीड करेंगे क्या वो अपने बेटे को सही बात सही रास्ता दिखाने में क्या वो अपने बेटे को एक अच्छे इंसान में ट्रांसफॉर्म चेंज कर पाएंगे तो हमें ये स्टोरी दिखाई गई है हम इससे ये स्टोरी रीड करके पता करते हैं दे लिव्ड मैन कॉल्ड सत्यभूषण इन अलाहाबाद ही हैड अ सन नेम्ड अंकित सत्यभूषण लव्ड हिज सन सो मच दैट ही हैड पेंड ऑल हिज होप्स ऑन हिम ठीक है तो सत्यभूषण अलाहाबाद के रहने वाले हैं उनके बेटे का नाम सत, अंकित है वो अपने बेटे को एक ही एक उनका बेटा है और वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्होंने अपनी सारी सारी जो पिंड इज हो मतलब उनकी जो भी होप्स हैं जो भी इच्छाएं हैं वो सब उस पर डिपेंडेंट उस पर छोड़ दी हैं वो चाहते हैं कि उनका बेटा अच्छे से एजुकेट हो के और बहुत ही सक्सेसफुल बने और आगे उस अपनी लॉ की पढ़ाई को पूरा करके और आगे अच्छा लॉयर बने बट कॉन्ट्रेरी टू दिस चेरिस्ट चेरिश्ड विश पर उसके ऑपोजिट होता है जो उनकी विश पूरी नहीं हो पाती है उस उनके जो बेटा है वो विक्टिम शिकार हो जाता है बट उनके मन के मुताबिक वैसा नहीं हो पाता है उनकी विश पूरी नहीं होती है उनका बेटा बैड कंपनी में पढ़ जाता है अपने क्लास के बच्चों के साथ हार्डली अ डे पास वैन सत्यभूषण डेंट रिसीव वन और द अदर कम्पलेन अगेंस्ट हिस सन फ्रॉम इ स्कूल एंड द कॉलोनी वेयर दे लिव्ड कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जब उसकी कोई भी कंप्लेन स्कूल से या आस पड़ोस से सत्यभूषण जी को नहीं मिलती थी जहाँ वो रहते थे सत्यभूषण ट्राइड हार्ड टू गेट सेट अंकित रट फेल्ड मिजरेबली वो हर बार कोशिश करते थे पर हर बार वो उनको अपने बेटे को वो नहीं राइट right गाइड नहीं कर पाते थे इन फैक्ट द मोर ही ट्राइड द मोर विकेट हिज सन ग्रू जितना वो ट्राई करते थे वो उतना ही ज़्यादा और शैतान और बुरा निकलता जा रहा था इवन कॉर्पोरल पनिशमेंट एट स्कूल फेल टू गिव हिम द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट एंड सत्यभूषण लॉस्ट ऑल द होप्स ऑफ इज सन्स इम्प्रूवमेंट कॉर्पोरल मतलब फिजिकल मतलब बीटिंग्स भी स्कूल में उसको मिलती थी लेकिन फिर भी उसके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलते थे और वो उन्होंने अब सब होप छोड़ दी थी अपने बेटे में कोई भी सुधार देखने की वन डे ही कॉल्ड अंकित टू स्टडी एंड गेव हिम वुडन बोर्ड एंड सम नेल्स he said sonny i really i'm really sick of getting complaints against you every day from school all my efforts to correct you as you know have failed now i want you to do me one favor hope you won't disappoint me in this this time please drive one nail into the wooden board that i have given you just now as an and when there is a complaint against you minded you shall not be provided with another board when it is full बहुत सब कुछ करने के बाद सारे जतन करने के बाद एक दिन सत्यभूषण अपने बेटे अंकित को अपने स्टडी में बुलाते हैं और उनको ए, उसको एक वुडन बोर्ड और कुछ नेल्स नेल्स मतलब कीले देते हैं और उन और अंकित को कहते हैं कि मैं तुम्हारे कंप्लेंट से अब थक चुका हूँ रोज़ तुम्हारे स्कूल से कंप्लेन मिलती हैं मैंने सारे अपने एफर्ट्स कर दिए हैं तुम्हें सही करने में लेकिन मैं हर बार फेल हो जाता हूँ अब तुम्हें मुझे एक फेवर करना पड़ेगा और मुझे लगता है इस बार तुम मुझे निराश डिसअपॉइंट मीन्स निराश निराश नहीं करोगे जब भी अब तुम्हें कभी भी तुम्हारी कोई कम्प्लेन आएगी तो तुम एक नेल ये एक कील तुम उस वुडन बो, बोर्ड में ड्राइव कर दोगे मतलब लगा दोगे इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी वो आ, मिस्टेक्स करी हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें ये काम तुम बहुत आराम से करोगे बिना किसी मुझे मुश्किल में डाले अंकित ग्लैडली रिएक्टेड अग्री टू एक्ट एज पर हिज फादर्स thought that दैट ही वुड नो लॉन्ग subjected सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ or और ह्यूमिलेशन एट hands ऑफ हिज फादर मेड हिम वेरी हैप्पी ही वॉज अ फ्री बर्ड नाउ ही थाट अब उसने सोचा ठीक है अब जब भी कंप्लेन आएगी तो बस मैं इसमें एक कील जो है लगा दिया करूँगा और अब मुझे पापा से डांट मार नहीं खानी पड़ेगी नाउ अंकित वुड जस्ट ड्राइव अ नेल इन टू द वुडन बोर्ड एज डायरेक्टर वेन डिरेक्टेड वेन एवर देर वॉज अ कम्पलेन अगेंस्ट हिम सून द बोर्ड वॉज़ फिल्ड अप विद नेल्स ऑल अराउंड एंड देर वॉज नो स्पेस लेफ्ट टू ड्राइव फ़र द नेल्स इन टू इट सो ही डिसाइडेड टू अप्रोच टू हिज फादर फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस इन द मैटर अब अंकित को जब भी उसकी कोई कंप्लेन आती थी तो वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हर बार एक नेल उस वुडन बोर्ड में लगा दिया करता था और धीरे धीरे करके ऐसे उसके बोर्ड में सारे नेल्स ख़त्म हो गए और जगह नहीं बची अब वो अपने फादर के पास उसने अप्रोच किया पूछने के लिए कि अब मैं क्या करूं तो उसके फादर ने उसको कहा While reading, while uh, when his father was busy reading the daily newspaper, he quietly entered his room and said, Dad, the wooden board you gave me, along with some nails, the other day is now full with nails, and there is no space left for me to put nails into it in future. What shall I do? Apsara board. वो अपना उसके फादर सत्यभूषण जो हैं रूम में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं वो रूम में धीरे से एंटर करता है और अपने फादर को बताता है कि अब मेरा वुडन बोर्ड फिल हो चुका है और उसमें कोई भी स्पेस नहीं है अब मुझे क्या करना चाहिए the father looked at his son through his reading glasses resting on his nose and said well in that case you can take out one nail from the board whenever you do something good to others and there is a good report about your from your school जो फादर हैं वो अंकित को देख के कहते हैं कि अब ऐसा करना है तुम्हें जब भी तुम्हें स्कूल से या कहीं से भी अच्छी रिपोर्ट आएगी तो तुम उसमें से एक कील निकाल लेना Ankit felt greatly relieved when at his father's suggestion now he would spend hours thinking what good deeds he would do every day to be able to get the nails out of the board his constant attention to his desire of doing at least one good deed turn every day made him very happy to find one day that all the nails from the board had gone away leaving the board clean अब अंकित को बड़ा ही अच्छा लगता था अपने फादर का सजेशन और वो घंटों ये समय निकालता था सोचने में कि मैं क्या ऐसा अच्छा काम करूं जो वो बोर्ड क्लीन हो जाए और उसकी अटेंशन अब किसी में थी कांस्टेंट उसका ध्यान इसी में था कि मुझे अब बोर्ड साफ़ करना है और क्लीन रखना है अंकित रश टू हिज फादर टू शो हिम द क्लीन बोर्ड जब वो बोर्ड क्लीन हो गया वो भागता हुआ अपने फादर के पास गया उन्हें शो करने के लिए अंकित सेड लुक फादर द बोर्ड इज़ क्लीन नाउ दे आर नो नेल्स इन इट सत्यभूषण फीलिंग वेरी हैप्पी एट दिस डिस्कवरी सेड यस सनी आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू बोर्ड ना लेट ना लेट मी सी हाओ यू कैन रिमूव द स्कार्स लेफ्ट बाय द नेल्स you can do it easily but it requires you to do at least थ्री गुड good turns every day. Are you prepared for it? Yes dad, I'm sure I can do it. तो so स्कॉर्स मतलब जो डैमेज हुआ है वो उसको ये सीख देना चाहते थे कि बेटा अगर आप गलत करोगे तो अगर आप ये बैड चीज़ें स्कूल में करोगे पनिशमेंट्स मिलेंगी आपको तो आप उसकी भरपाई फिर नहीं कर पाओगे तो वो इससे उनको आ, अंकित को यही समझाना चाह रहे थे इस डिस्कवरी से यही बताना चाह रहे थे कि अब जो कार्स रह गए हैं जब जब तुमने ये नेल बोर्ड में से प्लग करा यहाँ जो डैमेज है अब तुम इसे नहीं भर पाओगे इसीलिए तुम्हें टू टू थ्री गुड टर्न्स डीड्स करनी पड़ेंगी इसको ठीक करने के लिए और वो अपने बेटे से पूछते हैं क्या अब तुम तैयार हो तो उसके जवाब में अंकित कहता है येस डैड आई एम श्योर मैं ऐसा कर सकता